Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Guys, आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़े का मैंगो डिज़र्ट और उसके लिए मेरे पास मौजूद हैं बहुत सारे मैंगोज़. ये सारे मैंगोज़ मैं लंदन से लाई थी और ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं. तो आज हम इनका डिज़र्ट बनाएंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे. तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्रीडियंट्स आपको क्या क्या चाहिए. सो फर्स्ट इंग्रीडियंट है मैंगोज़. आप लोगों ने सही गेस किया, सबसे पहले हमें मैंगोज़ चाहिए और फिर हमें चाहिए क्रीम चीज़. क्रीम चीज़ आप ले सकते हैं कोई सी भी, और कंडेंस्ड मिल्क. एंड ये भी कंडेंस्ड मिल्क ही है लेकिन ये इसका कैरमल फ्लेवर है. और इसके अलावा हमें एक मैंगो लेमन चाहिए जिसको हम स्क्वीज़ करेंगे, थोड़ा सा जायका डालेंगे. और हमें चाहिए बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट्स आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाए. सो सबसे पहला काम है मैंगोज़ की कटिंग, जो कि अब अभी हम कर लेते हैं. मैंगोज़ को हमने कट करना है अभी. सो गाइज, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इन मैंगोज़ को अच्छी तरह से पीस देना है ताकि ये प्यूरे टाइप बन जाए. वैसे अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन मैं आज बगैर ब्लेंडर के इसको बना रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी होती है ये तो. सो गाइज, बगैर ब्लेंडर के थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लिया जाए. गाइस, मैंगो प्यूरी रेडी हो चुका है लेकिन हमने इसकी लेयरिंग करनी है, इसलिए अभी हम थोड़ा सा निकाल के दूसरे बाउल में डाल लेते हैं और आधे में हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और आधे में दूसरा वाला मिल्क डालेंगे. तो अभी हम इसको सेपरेट करते हैं. अभी हम इसको मिक्स करते हैं. अब नेक्स्ट हमने इसमें क्रीम चीज़ डालनी है, तो फिर हम क्रीम चीज़ को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं. थोड़ी सी क्रीम चीज़ हम निकालेंगे. अब वक्त आ गया है कि हम इस क्रीम चीज़ को इसके अंदर डाल दें. हम डालेंगे और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये ठीक है इसमें सब कुछ या नहीं. आमों का जायका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है लेकिन अच्छा आ रहा है. लेकिन हम थोड़ा सा और इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल लेते हैं, थोड़ा और मीठा हो जाएगा. सो गाइज, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है, मैंने टेस्ट करके देखा है. अब थोड़ी सी इसकी लेयरिंग कर लेते हैं बिस्किट्स के साथ ताकि ये और भी ज़्यादा यम्मी हो जाए. तो अब हम बिस्किट्स लेते जाएंगे. यूँ एक बिस्किट लेंगे और इसको थोड़ा सा इसमें डिप करेंगे, फिर इसकी लेयरिंग कर देंगे. इसको इस तरीके से कर लेना चाहिए. जी, बिस्किट्स की लेयर आ चुकी है नीचे. अब इसके ऊपर प्यूरे भी डाल देते हैं.
इसको थोड़ी देर सेट होने देते हैं और हम काम आम काट लेते हैं क्योंकि आम की हमने इसके ऊपर और लेयर लगानी है। तो अब हम करते हैं मैंगोज को कट। मुझे लगता है हमें एक और मैंगो भी काटना पड़ेगा लेयरिंग के लिए। अब मैंगो उसकी लेयरिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैंगोज की लेयरिंग हो चुकी है, अब इसको फ्रीजर में रख देते हैं, सॉरी फ्रिज में रख देते हैं और फिर जो लास्ट लेयर है उसको भी तैयार कर लेते हैं विद दिस वाला मिल्क, कैरेमल कंडेंस्ड मिल्क। पहले हम इसका टेस्ट चेक करेंगे थोड़ा सा। तो हम इसकी भी मिक्सिंग कर लेते हैं इसको डाल के, अभी मिक्स करके देखते हैं कैसा जायका आता है, फिर और डाल लेंगे हस्बे ज़रूरत। अब इसमें हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम भी शामिल कर लेते हैं। और जब आप व्हिप क्रीम डालते हैं तो फिर आपने इसको बस हल्का हल्का ही इस तरह करना होता है। अब इसके ऊपर ये जो लास्ट लेयर है ये भी लगा देते हैं। जी तो लास्ट लेयर भी लग चुकी है। सो गाइस मैंगो डिलाइट इज़ नाउ रेडी, लेकिन अभी वो फ्रिज में है, उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडी जब हो जाएगी तो तब ज़्यादा अच्छी लगेगी, तब खाएंगे। लेकिन अभी से मुझे बहुत इंतज़ार है, जितनी मैंने टेस्टिंग की है उसके हिसाब से तो बहुत ही मज़े की है। सो लेट्स सी आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर कि वो ठंडी हो जाए फिर हम खा के देखेंगे कि कैसी है। और हाँ, मैंने लेमन नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि उसके जायके में और कुछ इन्हेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो लेमन की ज़रूरत नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाला। जी तो अभी हम इसको खाने लगे हैं मैंगो डिज़र्ट को, देखते हैं खा के ये कैसा लगता है। जी गाइस सबा खाने वाली है, फिर हमें बताएंगी कि कैसा है। मज़े का है गाइस, सबा ने तो बता दिया कि बहुत ही मज़े किया है। अब मैं ख़ुद भी ज़रा खा के चेक करती हूँ कि मुझे कैसी लगती है। बहुत मज़े किया है वैसे। गाइस आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। सो गाइस बहुत मज़ा आया आज ये मैंगो डिलाइट खा के, बहुत ही मज़े की बनी और ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी थी। आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें डाली हैं जो नॉर्मली मैंने किसी रेसिपी में नहीं देखी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देखने में आपको कैसी लग रही है और फिर बनाइएगा भी ज़रूर और फिर खा के बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि अभी सबा ने भी एक मैंगो डिलाइट बनानी है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।